उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर संघ की स्थापना की। 10वीं वर्ष को भरपूर उत्साह के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सिंगल जी के संचालन में मनाया। स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि माननीय सदस्य विधान परिषद एवं सदस्य विकास प्राधिकरण आवास विकास अनियमितता समिति पवन सिंह चौहान एवं विशिष्ट अतिथि डालमिया सीमेंट जोनल हेड श्रीमान सुदीप चटर्जी शामिल हुए, जिनका संरक्षक नरेश जैन और वरिष्ठ महामंत्री मनीष मोदी जी ने स्वागत किया तथा प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता एवं कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल जैन जी ने साथ सभी दीप जलाकर ईश वंदना के साथ सीमेंट व्यापार से जुड़े सौरभ तिवारी, शैलेंद्र वर्मा, कमलेश सिंह को लखनऊ नगर निगम में माननीय सभासद बनने पर सम्मानित किया गया। 10 वरिष्ठ व्यापारी पवन कुमार जैन, कन्हैया लाल अग्रवाल, विजय अवस्थी, जितेंद्र अग्रवाल, राम नरेश वर्मा, सतीश चंद्र अग्रवाल, आदित्य प्रसाद सैनिक, रमेश अग्रवाल, ओंकार सिंह और रंजीत पाल जैसे बहुत समय से सीमेंट व्यापार से जुड़े वरिष्ठों को सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता ने कंपनियों से डीलर्स को संरक्षण देने की मांग रखते हुए ट्रेड और नॉन ट्रेड के मूल्यों में एक निश्चित कम अंतर रखने का सुझाव दिया, जिससे कंपनियों को लाभ और डीलर्स को बिक्री हेतु सरलता मिले। डिस्काउंट ऑफर मूल्य पर उसकी GST डीलर्स को देने की मांग करी, जिसे श्रीमान सुदीप चटर्जी जी ने तुरंत मानकर लागू करने की घोषणा की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालमिया सीमेंट से जुड़ने का अनुरोध किया। माननीय पवन सिंह चौहान सदस्य विधान परिषद को आवास विकास और विकास प्राधिकरणों की अनियमितताओं को रोकने संबंधित समिति के सदस्य नामित होने पर बधाई देते हुए उनके द्वारा सरकार से सीमेंट को अधिकतम टैक्स दर बाहर करने एवं ई इनवॉइसिंग की अनिवार्यता होने से ई वे बिल को हटाने तथा TDS TCS को ख़त्म करने की मांग के साथ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास उपभोक्ताओं के हित में चौड़ी सड़कों पर संचालित व्यापार की भूमि को मिक्स्ड यूज उपयोग घोषित कर व्यापारियों को प्रताड़ना से मुक्त करने की मांग रखी, जिस पर उनके द्वारा स्वयं को भी एक व्यापारी बताते हुए सरकार से सभी संभव मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद अब बाजार में कुछ स्थिरता आई है। सीमेंट व्यापार में अडानी और डालमिया जैसे बड़े ग्रुप उतरने से निश्चित रूप से सपनों का आशियाना बनाने की उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेबर के लेन देन उतारने में आ रही समस्या को देखते हुए सीमेंट बोरी के वजन 40 किलो करने की कंपनियों का आग्रह किया जाएगा। डीलर्स के पैसों को रोककर परेशान करने वाले कुछ गलत रिटेलर को पहचानकर ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। समारोह में शामिल होने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। समारोह में विजय अवस्थी, कमल अग्रवाल, नरेश जैन, शुभम अग्रवाल, महेश गर्ग, मनीष अग्रवाल, अनिल जैन, सुभाष अग्रवाल, दीपक सिंगल, मनीष मोदी, मनोज सिंह, प्रवीण खंडेलवाल, अनिल जैन, अमित सिंघानिया, मुद्दसिर नज़र, DK मिश्रा, जितेंद्र अग्रवाल, जिम्मी अग्रवाल, अर्पित जैन, AM गिरी, अंकुर जैन, अभिषेक गुड्डू, सिमरन सिंह, विजय साहू, राम कुमार, निर्मल गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, महेंद्र गोयल, नित्यानंद सिंह, राजीव गुप्ता आदि पदाधिकारी सहित कई जिला कमेटियों के पदाधिकारियों तथा सदस्यगण शामिल रहे। सीमेंट व्यापारी जिंदाबाद, सीमेंट व्यापार जिंदाबाद, सीमेंट व्यापारी जिंदाबाद, सीमेंट व्यापार जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश व्यापार संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ जिंदाबाद। व्यापार संघ आज अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यसभा सांसद भी आए थे और उत्तर प्रदेश के भी प्रतिनिधि आए थे, तो क्या प्रमुख दिक्कतें हैं और क्या प्रमुख मांगे आपने रखी है? मैं श्याम मूर्ति गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो सीमेंट व्यापारियों ने मुझे सौंपा है और आज 10 साल इस संघ के बेमिसाल हैं। अपने इस समारोह में हमने जो माननीय सरकार के प्रतिनिधि आए उसमें डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी राज्यसभा सांसद एवं पवन सिंह चौहान जी सदस्य विधान परिषद सीतापुर वो शामिल हुए और उनको जो है सदस्य विधान परिषद सीतापुर माननीय पवन सिंह जी को एक आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण और सारे विकास प्राधिकरण और नगर पंचायतों में अनियमितता जांच समिति का अभी हाल ही में सदस्य बनाया गया है, जिसका जो है उनका हमने धन्यवाद भी दिया, उनको इसकी बधाई भी दी। और सबसे बड़ी समस्या आवास विकास और विकास प्राधिकरणों की है
कि देखिए जोनल प्लान ना होते हुए, आप लखनऊ की बात करिए, जोनल प्लान ना होते हुए भी आप आज की तारीख में जब व्यापारी बस गया है और व्यापारी का कार्य चल रहा है और किस तरह चला वो एक अलग की चीज है, लेकिन आज विकसित उपभोक्ता को भी जरूरत है सामान की, और सामान बेच करके पेट पालना भी परिवार की मजबूरी बन गया है। आज अगर आप उनको हटा रहे हैं तो ये दिक्कत की चीज है। जब पुरानी भाजपा सरकार थी तो उन्होंने चौड़ी रोडों पे इस चीज को लीगलाइज करने के लिए मिक्स लैंड का प्रपोजल दिया था। 2022 में भी उसकी बात उठी, जैसा कि आपने सुना होगा कि माननीय पवन सिंह चौहान जी ने इसकी वार्ता भी करी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस चीज को आज हम भाजपा सरकार से उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं कि लखनऊ में मिक्स यूज लैंड घोषित हो और आवासीय के साथ कॉमर्शियल जो है वो लीगल किया जाए। अच्छा, आज जीएसटी को लेकर के भी कुछ बात आपने कही। जीएसटी जो है वो शुरू में जब जीएसटी काउंसिल का प्रारूप लगा तो इसमें अधिकतम 28% वाली दर में बहुत सी वस्तुएं थी, जिनको ये कहा गया कि हम धीरे धीरे विलासिता और पाप वस्तुओं को छोड़ करके, पाप वस्तुएं मतलब शराब है, गुटखा है, इन सब चीजों को छोड़ करके हम बाकी चीजों को बाहर निकालेंगे। उसमें कई चीजें सब बाहर हो भी गई, लेकिन सीमेंट अभी भी 28% पे है। जब पांचवी जीएसटी बैठकों को छोड़ करके हम बाकी चीजों को बाहर निकालेंगे, उसमें कई चीजें सब बाहर हो भी गई, लेकिन सीमेंट अभी भी 28% पे है। जब पांचवी जीएसटी बैठक थी तब अरुण जेटली जी ने इस पे उसके पहले घोषणा की थी कि सीमेंट अब बाहर होने वाली है। मेरे पास कई उसके आपके प्रेस से मित्रों के फोन भी आए, लेकिन आज 50वीं बैठक होने तक इसका निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि सीमेंट एक अच्छा राजस्व दे रहा है और एक कह सकते हैं कि जो लड़का कमाई कर रहा है उसी के ऊपर आप बोझा लाद रहे हैं, तो ये गलत चीज है। सीमेंट लखनऊ और बाराबंकी के हम जो निकट के क्षेत्र हैं, ज्यादातर व्यापारी सदस्य हमारे वहाँ से आए हैं। अच्छा, आज इस स्थापना दिवस पे व्यापारियों बंधुओं को यही संदेश दूंगा कि इसी तरह संगठित रहे, वो हमें समय देंगे, हम उन्हें सरलता देंगे। आज डीलर जो है वो दूसरे व्यापार की तरफ जाने पर मजबूर हो गया है। उसका कारण ये है कि पहले हम लोग रेडीमिक्स प्लांट पे देते थे, आपके ब्रिक्स पे देते थे, ह्यूम पाइप पे देते थे, बिल्डर्स को देते थे। आज कंपनियां सीधे सीधे माल को बिल्डर्स को दे रही है, वो भी 100-100 रुपए नीचे दे रही है। हम लोग 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए सिक्योरिटी दे करके, और हमारी सीमेंट अगर 425 की है तो उस बिल्डर को वही सीमेंट 295 की मिल रही है, 300 रुपए की मिल रही है। अगर 125 रुपए, 100 रुपए बोरी कम है तो उसका अनधिकृत परिवहन डीलर के द्वारा जो है वो आज भी हो रहा है, और अब तो 100-100, 150-150 बोरी, 50-50 बोरी, बल्कि ठेलिया पर आप उन बोरियों को जाते हुए बन रहा है जी। उस सीमेंट को सस्ता करेंगे तो इन्होंने दिखावे के लिए बिल्डर्स को और उसको सस्ता करके वहाँ रेट तो भेज दिया, लेकिन डीलर्स के ऊपर जो ट्रेड कहते हैं तो ट्रेड का औसत उन्होंने आज भी उसी तरह रखा, जो कि अन्यायपूर्ण कदम है। और मैं इसके लिए मीडिया बंधुओं के साथ बहुत दिनों से इस पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई तो सीमेंट व्यापार ध्वस्त हो जाएगा और हम सब लोग अपनी सिक्योरिटी विड्रा करने पर मजबूर रहेंगे। गुप्ता जी, देश प्रतिदिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।